जय हिंद दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कलर कोडिंग ऑफ रजिस्टर। रजिस्टर की कलर कोडिंग आज हम सीखेंगे। रजिस्टर की कलर कोडिंग कैसे करते हैं, इसका काम क्या होता है और क्यों यूज़ करते हैं इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानते हैं कि रजिस्टर क्या होता है। रजिस्टर एक ऐसा कंपोनेंट होता है जो कि करंट के प्रवाह का विरोध करता है, यानी कि करंट के अपोजिट डायरेक्शन में रजिस्टर का काम होता है, जिसका मात्रक हमारा होता है ओम, जिसको हम ओम लिखते हैं। मात्रक का जो प्रतीक होता है ये होता है ओम, इसका रजिस्टर का जो प्रतीक होता है वो होता है हमारा ऐसे, ये हमारा रजिस्टर का प्रतीक है। अगर इस शेप में बना है तो हमारा वो रजिस्टर का सिंबल है, ठीक। और इसका शेप, अगर आकार की बात करें तो आकार कुछ इस प्रकार का होता है, जो कि हम इसमें आपको दिखा दे रहे हैं अभी। आकार इसका क्या होता है, ये हमारा आकार होता है इस प्रकार का, अगर आप देख पा रहे होंगे तो कुछ इस शेप का होता है रजिस्टर का आकार। ये हमारा प्योर रजिस्टर। तो हमें ये तो पता चल गया रजिस्टर होता क्या है। अब रजिस्टर को कलर कोडिंग क्यों करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए किसी भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट या भी कोई भी इंस्ट्रूमेंट या कंपोनेंट को मेज़र करने के लिए हमें जिस उपकरण का यूज़ किया जाता है उसे बोलते हैं मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट। तो जी उसी प्रकार रजिस्टर की भी वैल्यू मेज़र करने के लिए हम ये यूज़ करते हैं, या तो मल्टीमीटर यूज़ करते हैं या तो ओम मीटर यूज़ करते हैं। और सेकेंड मेथड हमारा जो आता है कलर कोडिंग। तो कलर कोडिंग का जो यूज होता है वो रजिस्टर की वैल्यू को मेज़र करने के लिए होता है, जो कि अभी हम देखेंगे। तो कलर कोडिंग के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये टेबल जो आपको दिख रही है, ये टेबल याद होनी चाहिए, जिसका हमें उस पर जो सिंबल दिया गया है कलर डिजिट मल्टीप्लायर और टॉलरेंस, ये इतने हमें पता होने चाहिए कि ये होता क्या है। तो कलर के लिए आपको ब्लैक ब्राउन ये तो याद हो जाएंगे सीधी बात। डिजिट डिजिट 0 to 9 दिया गया है, 0 to 9 हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक हम याद कर लेंगे। मल्टीप्लायर क्या होता है, मल्टीप्लायर हमारा होता है 10 to power 1, 10 to power 0, 10 to power, जितना इधर डिजिट दिया गया है उसी का 10 की पावर में पहुंच जाएगा, वो हमारा हो जाएगा मल्टीप्लायर। यहाँ पर इधर डिजिट 0 दिया गया, इधर 10 की पावर 0 हो जाएगा, इधर डिजिट 1 दिया, इधर 10 की पावर 1 हो जाएगा, इधर डिजिट 2 दिया, इधर 10 की पावर 2 हो जाएगा, ये हमारा डिजिट है। फिर उसके बाद टॉलरेंस होता है, टॉलरेंस ये हमारा टॉलरेंस का एक अपना पर्टिकुलर नंबर दिया गया जिसको हमें याद करना पड़ेगा। अभी हम बता रहे हैं टॉलरेंस होता क्या है। तो कलर हमें देखो, डिजिट याद करना तो आसान है, डिजिट 0 to 9 याद कर लोगे, और मल्टीप्लायर भी आसान है क्योंकि जितना डिजिट है उसी के 10 की पावर में हमारा मल्टीप्लायर है, इसको सिंपल है। लेकिन ये कलर याद करना कि हाँ इस पर्टिकुलर कलर का नंबर क्या, जैसे हमारा ऑरेंज का 3 है, तो ऑरेंज का 3 हमारा होता कैसे है, ये हमें याद करने के लिए हमें कोई ट्रिक होनी चाहिए जिसको हम अभी बता रहे हैं आपको। तो आप ये देख रहे होंगे बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, ये हमारी ट्रिक है। बी से हमारा हो जाता ब्लैक, बी से हमारा हो जाता ब्राउन, आर से हमारा हो जाता रेड, ओ से हमारा ऑरेंज, वाई से हमारा हो जाता येलो, जी से हमारा ग्रीन हो जाता, बी से ब्लू हो जाता, वी से वायलेट हो जाता है, जी से हमारा ग्रे हो जाता है, और डब्ल्यू से हमारा व्हाइट हो जाता है। अब गोल्ड सिल्वर का हमें इस ट्रिक में नहीं दिया, क्योंकि गोल्ड सिल्वर हमारा पर्टिकुलर किसी डिजिट नहीं दिया गया इसमें, मतलब कोई डिजिट हमें इसमें नहीं दिया, इसे थोड़ा सा टॉलरेंस के लिए यूज़ किया जाता है या फिर मल्टीप्लायर के लिए यूज़ किया जाता है, जो इसमें देखा ही दे रहा हो मल्टीप्लायर में इसका दिया गया है, तो डिजिट में कुछ दिया नहीं गया, तो इसको हम इस ट्रिक में इसको नहीं रखते। जो हमारा बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ है, जो ये हमारा बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ है, इसमें जितने भी कैपिटल लेटर है ये हमारे किसी न किसी नंबर को प्रदर्शित करते हैं। जैसे बी हमारा 0 पे होगा, बी हमारा 1 पे होगा, आर 2 पे होगा, ओ 3 पे होगा, और वाई 4 पे हो गया, जी हमारा 5 पे, बी हमारा 6 पे, वी हमारा 7 पे, जी हमारा 8 पे, और डब्ल्यू हमारा 9 पे, जो कि हमारा वाइट का होता है। चलिए अब हम देखते हैं कलर कोडिंग कैसे करते हैं। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल लेते हैं कि 4 बैंड की कलर कोडिंग हम कैसे करेंगे। 4 बैंड की कलर कोडिंग, तो इसमें हम आपको बता दें ये 4 बैंड हो या 3 बैंड हो, लगभग सेम कलर कोडिंग एक ही होती है, 3 बैंड से कम कलर कोडिंग नहीं होगी। तो इसमें हमारा एक ए बैंड हो गया, 2, 3 और 4, ये हमारे 4 बैंड हो गए। तो पहला बैंड जो हमारा होता है वो पहला अंक बताता है, यानी कि पहला अंक मतलब डिजिट, जो हमारा ये टेबल दी गई है इसमें इस डिजिट को बताएगा, पहली डिजिट को बताएगा, ये पहली डिजिट को बनाया, अगर देखा जाए तो दहाई का अंक बताएगा, ये पहला कलर जो हमारा होता है। दूसरा कलर जो हमारा होता है दूसरी डिजिट बताएंगे, दूसरा अंक बताएगा, यानी कि इकाई का अंक बताएगा, कलर हमारे यही रहेंगे, डिजिट हमारा यही लगेंगे, सेकेंड डिजिट फर्स्ट डिजिट, टेबल बनाना स्टैंड करने कोई मतलब नहीं, आप ऐसे याद करो, डिजिट हमारा वही रहेगा। पहला और दूसरा हमारा जो रहेगा वो हमारा बनाएगा
पहला अंक, और जो दूसरा हमारा कलर रहेगा हमारा बताएगा दूसरा डिजिट। अगर दूसरे वे में कहना चाहें तो पहला कलर हमारा दहाई का अंक बताएगा, दूसरा कलर हमारा इकाई का अंक बताएगा, फिर तीसरा कलर हमारा था मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर के अलग एक टेबल बना है जो कि हमारा कलर के डिपेंड करता है कौन सा कलर कितना मल्टीप्लायर होगा। चौथा हमारा होता है टॉलरेंस। अगर हम टॉलरेंस की बात करें, यहाँ पे हम टॉलरेंस को समझ, टॉलरेंस को होता है सहनशीलता। सहनशीलता का मतलब ये होता है कि ये कितना टॉलरेट कर सकता है। अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो इसकी जो रेजिस्टिविटी होती है यानी रो होता है रेजिस्टिविटी, वो बढ़ेगा या घटेगा, ये डिपेंड करता है टॉलरेंस। टॉलरेंस उसकी कितनी परसेंट होगी, बढ़ भी सकता घट भी, तो कितना बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा और घटेगा तो कितना घटेगा, ये हमारा डिपेंड करता है टॉलरेंस पे। टॉलरेंस हमारा होता है अगर किसी भी सर्किट में हम लगाएं कंपोनेंट या रजिस्टर लगाएं तो सर्किट में करंट फ्लो करेगा तो डेफिनेटली ये फिक्स है कि उसका टेम्परेचर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो टेम्परेचर बढ़ने पर उसका रेजिस्टिविटी बढ़ती है घटती है, हमारा डिफाइन करता है टॉलरेंस, जो हमारा ये टॉलरेंस दिया रहता है। ये रजिस्टर कितना वैरी करेगा, ये हमें टॉलरेंस डिपेंड करता है कि ये कितना वैरी करेगा। चलिए फिर देखते हैं इसकी वैल्यू कितनी आएगी। तो पहला हमारा ब्राउन है, तो हम अगर टेबल को साथ में रख के देखें तो ब्राउन का जो हमारा कलर है, ब्राउन कलर का जो हमारा नंबर है वो हमारा 1 है। तो पहला ब्राउन कलर है इसका जो पहला अंक हमारा हो जाएगा 1, यानी कि हमारा दहाई का अंक बता रहा है। चार बैंड में जो पहला डिजिट होता है वो दहाई का अंक बताता है। और दूसरा अंक हमारा है ब्लैक, ब्लैक का जो हमारा कलर है, ब्लैक का हमारा कलर 0 है, तो हम दूसरा अंक यानी इकाई का बताते हैं, इसलिए हम इसको इकाई में लिख देंगे। फिर ये मल्टीप्लायर, तीसरा अंक जो हमारा वो मल्टीप्लायर का होता है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लायर हमारा कौन सा, रेड, रेड हमारा मल्टीप्लायर यानी 10^2 हो जाएगा। फिर हमारा टॉलरेंस, टॉलरेंस हमारा गोल्ड, गोल्ड का प्लस माइनस 5% होता है जो आपकी दिखाई दे रहा होगा, प्लस माइनस 5%, ये हमारा हो जाएगा रजिस्टर की वैल्यू। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, अगर देखा जाए तो हमारा 1 × 10^3 प्लस माइनस 5% लिख सकते हैं। मान लो इसमें टॉलरेंस ना दिया होता तो क्या करते हैं, टॉलरेंस ना देने पर इधर देखिए आप दिया होगा इसमें नो कलर, नो कलर यानी 20% टॉलरेंस दिया, तो टॉलरेंस ना दिया था तो ये 3 बाउंड का हो जाता। जब 3 बाउंड का हो जाएगा तो इसमें प्लस माइनस यानी कि 1 × 10^3 प्लस माइनस 20% ये हमारा नो टॉलरेंस पे है। तो टॉलरेंस अगर नहीं दिया है, यहाँ पर देख लो नो टॉलरेंस, टॉलरेंस नो टॉलरेंस, और टॉलरेंस नहीं दिया है, कोई कलर नहीं दिया है, नो कलर भी इसको कहते हैं, नो कलर COLOUR, नो कलर अगर नहीं दिया है तब भी हम प्लस माइनस 20% लिखेंगे क्योंकि हमारे टेबल में दिया गया है प्लस माइनस 20%। अभी तब तो 3 बैंड का हो जाएगा जब टॉलरेंस नहीं दिया गया, तो 3 बैंड की 4 बैंड की कलर कोडिंग सेम होती है। अब आगे देखते हैं 5 बैंड की कलर, 5 बैंड कलर कोडिंग, 5 बैंड रजिस्टर कलर कोडिंग अगर रजिस्टर देखे जाए तो उसमें 5 बैंड दिया रहेगा। तो पहला बैंड जो हमारा होगा वो फर्स्ट डिजिट बताएगा फर्स्ट डिजिट, सेकंड जो हमारा होगा वो बताएगा सेकंड डिजिट बताएगा हमारा, और थर्ड जो होगा वो हमारा थर्ड डिजिट बताएगा थर्ड बैंड, और फोर्थ बैंड जो हमारा वो बताएगा टॉलरेंस, सॉरी फोर्थ डिजिट हमारा बताएगा मल्टीप्लायर, और जो फिफ्थ डिजिट होगा वो हमारा बताएगा टॉलरेंस, ये हमारा टॉलरेंस बताएगा। तो एक प्रकार से देखा जाए फर्स्ट डिजिट हमारा सैकड़ा बताता है, सैकड़ा फर्स्ट डिजिट हमारा सैकड़ा बताता है, सेकंड डिजिट हमारा दहाई का अंक बताता है, और जो थर्ड डिजिट होता है हमारा इकाई का अंक बताता है। तो इससे ये हमें पता चलता है कि हमारे 3 डिजिट आएंगे, यानी कि जो हमारे स्टार्टिंग के 3 बैंड हैं वो हमारे 3 डिजिट बताते हैं, इसलिए हमारा 3 डिजिट लेंगे, यानी 3 डिजिट तक हम काउंट करेंगे, उसके बाद फिर मल्टीप्लायर तब टॉलरेंस आएगा। एक बात यहाँ पे आपको डाउट हो रहा होगा कि हम स्टार्टिंग किधर से करें, कलर कोडिंग की स्टार्टिंग किधर से करें, इधर से करें या फिर इधर से करें, हम तो कह रहे हैं इधर से करो, तो हमारे कहें मान लो कि इधर से हम करें, कोई नियम कानून नहीं होगा इसका, तो वो होगा क्या होगा कि इधर से करने के लिए हमें चाहिए किधर से करें, इसके लिए हमें जो लास्ट का टॉलरेंस होगा, अगर इधर ये गोल्ड हुआ, गोल्ड या सिल्वर, तब तो आपको पता चल जाएगा कि टॉलरेंस है,
गोल्ड सिल्वर हुआ तब तो आपको पता चलेगा कि टॉलरेंस, यानी कि टॉलरेंस सबसे लास्ट में किया तो तब तो आप इधर से करोगे। यहाँ देखो वैलेट दिया गया, क्या पता है टॉलरेंस है क्या है, हमें क्या पता। तो इसके लिए नियम ये है कि जिस टर्मिनल से यानी जिस पॉइंट से हमें काउंटिंग करना है, कलर कोडिंग करना है, उसके पास में एक बैंड होगा, यानी बैंड जो होगा उसके बहुत करीब से स्टार्ट होगा। दूसरी बात, और जहाँ पे हमारा मल्टीप्लायर का बैंड होगा और उसके बाद में जो टॉलरेंस होगा उसके बीच में ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगी। ये जो दूसरे टॉलरेंस बैंड और मल्टीप्लायर के बीच की डिस्टेंस अदर बैंड के बीच की डिस्टेंस से बहुत ज़्यादा होगी। तो इससे हमें ये पता चल जाए जो जो सबसे लास्ट वाला डिस्टेंस होगा उसकी कलर कोडिंग, यानी उसका हमारा जो बैंड है वो टॉलरेंस बैंड, इसलिए उसको हम सबसे लास्ट में रखेंगे। इसलिए हमें ये पता चलता है कि हमें जो काउंटिंग करनी है, हमें बैंड की जो डिजिट वैल्यू निकालना है, हमें इस साइड से निकालना है। ये डाउट क्लियर? तो अब हम देखते हैं इसकी हमारी वैल्यू कितनी आएगी इस रजिस्टर की, 5 बैंड रजिस्टर की। तो देखिए पहला बाउंड हमारा जो है ब्राउन कलर का है, तो ब्राउन का हमारा जो डिजिट होता है, आप यहाँ पे देखिए ब्राउन का जो डिजिट होता है हमारा 1 होता है, तो ब्राउन का डिजिट हमारा 1 हो गया। इसको अगर हम रजिस्टर की वैल्यू देखा जाए तो हमारा ब्राउन का डिजिट 1 हो गया। फिर दूसरा हमारा डिजिट क्या है, येलो। येलो का हमारा जो डिजिट दिया गया यहाँ पे 4 दिया गया, तो इसका हमारा 4 हो जाएगा, यानी 4 हो जाएगा। फिर तीसरा हमारा दिया है ब्लैक, ब्लैक का जो हमारा होता है ऊपर बैठे हैं सबसे 0, 0 हमारा हो जाएगा इसका तीसरे का। तो एक प्रकार से देखो तीसरा बैंड इकाई का अंक बता रहा है ना, दूसरा अंक दहाई का अंक बता रहा है, तीसरा जो बैंड होगा हमारा सैकड़ा का अंक बता रहा है। तो पहला अंक, दूसरा अंक, तीसरा अंक, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, फिर उसके बाद हमारा मल्टीप्लाई रहता है, मल्टीप्लाई यानी मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई के बाद हमारा ब्राउन है, ब्राउन का जो हमारा मल्टीप्लाई होता है 10^1 होता है, तो 10^1 कर देंगे हम इसको सीधे सिंपल सा 10^1। टॉलरेंस, टॉलरेंस हमारा प्लस माइनस इसीलिए लिखा जाता है क्योंकि टॉलरेंस घट भी सकता है, टॉलरेंस बढ़ भी सकता है। तो प्लस माइनस कितना होगा वो हमारा वायलेट कलर का हमें इधर दिया गया है, वायलेट का हमारा जो दिया गया है प्लस माइनस 0.1 दिया गया है, तो प्लस माइनस 0.1, यानी कि ये 0.1 ही वेरी करेगा। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो हमारा ये हो गया है 14 × 10^2 ओम का रजिस्टर प्लस माइनस 0.1। एक बात आपको यहाँ बताना चाहेंगे, जिस रजिस्टर को टॉलरेंस 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 यानी सहनशीलता जितना कम रहेगा वो रजिस्टर उतना ही अच्छा माना जाएगा। क्यों? क्योंकि टॉलरेंस से रजिस्टिविटी घटती भी है और रजिस्टिविटी घटती भी है और बढ़ती भी है। तो उससे ये दिक्कत होगा, अगर हम यहाँ पे 25 ओम का रजिस्टर लगाएं, हमें 2 एम्पियर की करंट फ्लो करना है, 2 एम्पियर करंट फ्लो करना, और रजिस्टर अगर घट गया तो रजिस्टर यानी घट जाने 24 ओम हो गया या 23 ओम हो गया, तो हमारे यहाँ पे 2 से ज़्यादा अगर करंट फ्लो होगी तो हमारा सर्किट ध्वस्त हो जाएगी, पूरी फूंक जाएगी। तो जितना ज़्यादा टॉलरेंस कम होगा उतना ही अच्छा रजिस्टर माना है, क्योंकि रजिस्टर का जो उपयोग किया जाता है एक सेफ्टी कंपोनेंट होता है, यानी सेफ्टी के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। तो इसलिए टॉलरेंस ज़्यादा अच्छी बात नहीं है, सहनशीलता ज़्यादा अच्छी चीज़ नहीं है। आई होप, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो कलर कोडिंग और रजिस्टर के समझ में आया होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।